जी बहुत ही खतरनाक लग रही हूँ मैं। ज़्यादा ध्यान से ना देखें। बालों को इतना स्ट्रेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ये लगाया है बेसन, इसमें दही है, बेसन है, ओहो पीछे से शोर आ रहा है, और एलोवेरा जेल है और विटामिन ई का कैप्सूल है। ठीक है जी, ये लगाया है। फिर मैंने इसको आधे घंटे के लगा के इसको मैंने रब कर दिया था। रब करने के बाद इसको मैंने वॉश कर दिया, और जी उसके बाद फिर मैंने ये पोमीग्रेनेट शीट जो आती हैं ये वो है, तो ये लगाई है। अभी से मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी लगा के, क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया है। तो जी बहुत ही ख़तरनाक लग रही हूँ मैं। ज़्यादा ध्यान से ना देखें। तो जी यहाँ पर ये 10 मिनट हो गए थे, और 10 मिनट के बाद इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, और रिमूव करने के बाद मुझे जो फील आई काफ़ी अच्छी सी आई है। मतलब स्किन काफ़ी फ्रेश लग रही थी, और इसी टिश्यू से मैंने सारा रब कर दिया था, जितना भी इस पर वो ग्लू टाइप जो इसमें लगा हुआ था ना स्किन पे, वो इसी से रब करके सब मैंने क्लीन कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। ये शीट जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, आप भी यूज़ करके देखिएगा। और शादी में जाने से पहले बहुत मेहनत है भाई, मतलब इजी नहीं है शादी में जाना, इतनी थकान हो जाती है इन कामों में ना बहुत ज़्यादा। मतलब जिस दिन शादी है उसी दिन कपड़े निकालना, मेकअप का सोचना, हेयर केयर करना, उसमें स्ट्रेट वगैरह करना, फिर मेकअप करना, मतलब कितने काम होते हैं तौबा। बस इसीलिए बड़ा भारी लगता है मुझे बाहर जाना। तो फ्रेंड्स आज जो है ना, आज है शादी, और शादी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ थोड़ा सा। तो ये वाला सूट मैंने निकाला है पिंक कलर में, और जी बड़ा प्यारा सा इसका कलर है, आप जैसे देख रहे हैं डबल शेड में है। और जी ये इस पर देखिए काम, ये जो पहले चलते थे ना ये वो वाले काम है, और इसके साथ है ये शलवार। तो जी मैं सोच रही हूँ कौन सा सूट पहनूँ, पिंक निकाला है मैंने, एक येलो भी है, पर सोच रही हूँ ये पिंक वाला ही डाल लेती हूँ। और जी बस इसके साथ अभी मैं ज्वेलरी और निकालूंगी, अभी थोड़ा सा कार का भी मसला है तो देखते हैं, अभी फाइनल है भी नहीं मैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। तो जी ये इसकी कुर्ती है, ये कुर्ती है, ये दुपट्टा है, और जी बहुत ही प्यारा सा है ये सूट, ऐसे देखिए। चलिए जी ज्वेलरी और निकालते हैं। तो जी मैं ज्वेलरी लाई हूँ निकाल के, अब देखते हैं इस पर क्या जाता है। एक तो चूड़ियाँ मैं सोच रही हूँ ये फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। तो चूड़ियाँ तो मैं ये लाई हूँ जो मैंने रामनगर से ली थी, पर ये बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है इस सूट के हिसाब से। तो ये देखिए बहुत येलो है, और इसका काम थोड़ा मतलब दबा हुआ सा है, तो ये तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं इस सूट के लिए। और जी इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स एक तो मैंने ये निकाले, ये बहुत बड़ा साइज़ है, ये मुझे अच्छा लग रहा है इसके काम के हिसाब से, और ये थोड़ा लोकल लग रहा है, मतलब ये कॉटन के सूट पे अच्छे लगेंगे। एक ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, और बस यही है। तो अभी इसमें से जो फाइनल, चलिए अब आप बताएंगे मैं कौन सा पहनूंगी, ठीक है, ये आप गेस करें कि मैंने कौन सा पहना होगा शादी में, ये 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 या ये, ठीक है। और जी मैं सोच रही हूँ हेयर स्टाइल में बस मैं जूड़ा बनाऊंगी तो ये लगा लूँगी, या अगर मैंने चोटी बनाई तो ये लगा लूँगी, और बस क्लचर, बस मैं रख देती हूँ। तो जी सारा सामान हमारा तैयार हो गया है, यहाँ पर हमने चूड़ियाँ रख ली हैं, यहाँ पर हमने ज्वेलरी रख ली है, और ये हमारा मेकअप का सामान है। और जी जब भी आप शादी ब्याहों में जाएं तो पहले से ही ये तैयारी करके रखें, वरना एंड टाइम पे दिमाग घूम जाना होता है। तो जी हमारा सारा तैयार हो गया सामान, अब हम शाम में जब जाएंगे तो बस हमें सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा ईजीली, और जल्दी से हम तैयार हो जाएंगे। तो जी बस, तो जी हाँ मैं बालों को इतना स्ट्रेट कर रही हूँ।
हमारे स्टेट हो गए हैं। तो ये गर्म पानी के लिए सही, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जी बस हम जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं, आज शादी का एक फंक्शन निकल आया है तो बस उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ और अभी इधर आई हूँ, फैमिली के साथ जा रही हूँ। और जी बस मैंने जो कपड़े पहने हैं कुछ ये हैं, पहना निकाला तो दूसरा था मैंने, लेकिन बस वो मुझसे नहीं पहना गया। फिर मैंने ये लूज सा एक कुर्ती ली है, दुपट्टा है सिंपल, और जी बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से मैं तैयार हूँ। तो बस बाकी हम मिलते हैं शादी में। ओके जी, यहाँ पर हम निकल चुके हैं अपनी फैमिली के साथ और यहाँ हमारी भाभियाँ हैं, मैं हूँ, और ये नीचे आते हुए मैंने अपना फुल लुक ले लिया था इस मिरर में। तो कुछ इस तरह का ये मेरा सूट था, बहुत ही लूज कंफर्टेबल सा, जैसे मैं चाहती थी। शादी में एंट्री हमारी कुछ इस तरह से हुई, पटाखों के साथ बहुत ज़्यादा हमारे पास थे। और जी ये कुछ अंदर का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत था। ये हमारे भाई हैं, सबसे बड़े भाई, तो जी यहाँ दुआ सलाम कर रहे थे। और जी काफ़ी सारे लोग मिलने वाले हमें यहाँ पर मिले, क्योंकि सब जानने वाले थे, खास थे, अपने थे, और यहाँ पर ये दोनों खाना खा रहे हैं। तो जी यहाँ पे स्टार्टर शुरू हो गया था, और स्टार्टर में जो था क्या क्या था मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ चिकन लॉलीपॉप था, और फिश पकोड़ा था, और जी कबाब थे। तो हमने सबसे पहले कबाब ले लिए थे, और जी कबाब लेने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा हमने लिया, थोड़ा सा घूमे फिरे, फिर थोड़ा सा लिया, इसी तरह से चल रहा था। और जी जब अपनों की शादी होती है, अपने लोग होते हैं, तो ज़्यादा ही मज़ा आता है, खैर बात करने में, हंसी मज़ाक करने में। और जी बस कोल्ड ड्रिंक मैंने सबसे ज़्यादा पी थी बीच में, क्योंकि मेरा तो बहुत जल्दी दिल भारी सा होने लग जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक का साथ नहीं छूटा था मेरा। और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये टिक्की आई थी, टिक्की बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी थी, बहुत अच्छी थी। तो टिक्की मैंने एक प्लेट टिक्की खाई थी। और इधर ये दही भल्ले थे, दही भल्ले मैंने नहीं खाए थे, और चीला लिया था, हाँ एक चीला अच्छा बन रहा था तो चीला लिया था पनीर का, और जी अच्छा था ये भी, टेस्टी था। और एक मैंने आगे बढ़ी तो गोलगप्पे का स्टॉल नज़र आया, तो एक गोलगप्पा मैंने ट्राई किया था, गोलगप्पा मैंने जिब्रान को दे दिया था। तो जी बस ये हमने स्टार्टर में खाया है, और इसके बाद फिर हम लोगों से मिले हैं। तो यहाँ जो दुल्हन थी, दुल्हन की बहन है, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, इनकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी और ख़ुद भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम बस यहाँ पर बातें कर रहे हैं, बातें करते करते फिर हमने थोड़े से अपने क्लिप भी लिए, और यहाँ मैंने फिर से कोल्ड ड्रिंक की एक ग्लास और क्योंकि ठंडी ठंडी अच्छी यही लग रही थी। और यहाँ सामने कूलर था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को, तो मतलब इतने पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जी अब हम खाना खा रहे हैं यहाँ पर, और खाने में हमने भी थोड़ा लिया है, ज़्यादा हमसे खाया नहीं जाता है। तो बिरयानी टेस्ट करते हैं, चिकन हमने बस इतना ही लिया है। और जी फिर मैंने कोशिश की कि मैं कैमरा रख के इस तरह से बना के देखती हूँ, जैसे सारे ब्लॉगर बनाते हैं सामने रख के बैठ के करते हैं वो सब, तो मेरे लिए काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है इस तरह से करना। तो बस वही मैंने ट्राई किया है, ये देखिए यहाँ पूरा कैमरा रख के और मैं फ्रंट पे बैठी हुई बना रही हूँ। तो बनाना तो मैं इसी तरह से चाहती हूँ वीडियो, लेकिन नहीं बना पाती हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने ये ट्राई किया। और वैसे बनानी इसी तरह से चाहिए वीडियो, जिस तरह से अब ये बन रही है। मेरी सारी वीडियो इसीलिए ख़राब जाती हैं, क्योंकि एंगल वगैरह ठीक नहीं होते हैं, मैं फ्रंट कैमरा पे नहीं आ पाती हूँ,
इसी वजह से सारा गड़बड़ हो जाता है। अली के पास, अली मुझे मिल रहा नहीं कि और शादी मुझे मिल गया अली, उसके पास जा रहा हूँ मैं, खा पाऊँगा नहीं है, खाए करो अभी। तो अभी हम दुल्हन को देखने जा रहे हैं। तो जी यहाँ पर ये दुल्हन है जो रेड में है, और जो इनके पास एक और थी वो भी दुल्हन थी। तो ये दोनों कज़िन हैं, तो दोनों की एक ही साथ शादी थी। तो दोनों ही माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी और मेकअप बहुत ही अच्छा किया हुआ था जी। बस यहाँ उसके बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद बस हम यहाँ बैठे और काफ़ी मतलब लोग जा भी चुके थे। यहाँ भाभी और मैं अपने इयररिंग के क्लिप्स ले रहे थे, और जी काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा, आधी जिम्मेदारी एक तरह से हमारे बाबूजी के ऊपर ही थी यहाँ की, के क्योंकि सारे जो गेस्ट वगैरह थे वो जाने वाले थे, हम लोगों के भी उनके भी। तो सभी को रवाना करके फिर हम लोग भी सबसे लास्ट में ही गए थे। मेरे ख्याल से 2 बज गया था रात का, और सब खाली हो चुका था यहाँ पर, कुछ ही लोग बचे थे, और बस जूता चुराई वगैरह की रस्में चल रही थी। अंदर दूल्हा था, दूल्हे थे, दो थे क्योंकि दो की शादी थी, और यहाँ पर दुल्हन इधर से दूसरी साइड जा रही है जहाँ पर दूल्हा है। तो कुछ मेरे ख्याल से वो था, रस्म चल रही थी, हाँ मतलब कोई रस्म थी तो वो चल रही थी अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम बस घर जाएंगे। घर की तरफ जा रहे हैं, शादी हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ तक के सब चले गए, बस हम ही रह गए लास्ट। तो अब हम घर जाएंगे और 2 दिन बाद व्लॉग मैं एडिट करके डालूंगी, तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे। तो जी इसी के साथ मेरा ये वाला व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने भी मेरे साथ जैसे मैंने किया है। और जी बस दुआ में याद रखें, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।